हम तुमको बताते हैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल से। रट्टू टोटा का मतलब एग्जैक्ट होता क्या है ना, मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ। एक बाबा जी थे, एक बाबा जी एक जंगल से गुजरते हुए जा रहे थे। तो जब जंगल से गुजरते हुए जा रहे थे ना, तो उनको बहुत सारा तोता दिखा, ठीक है। तो बाबा जी तो बाबा रहे बाबा जी को थोड़ा ज्ञान देना था वहां पे। तो बाबा जी वहां पे रुक गए, बाबा जी वहां पे सभी तोता को बुलाए और सभी तोता को एक ही बात बोले, बेटा ध्यान रखना, एक दिन एक आदमी आएगा, तुमको दाना देगा और तुम दाना को मत खाना, नहीं तो फिर जाल में फंस जाओगे। ये ज्ञान देके वो चले गए। अब किया क्या, सारे के सारे तोता लोग जो ना इसको एक स्लोगन बना लिया और दिन रात वो लोग यही बोलने लगे, एक दिन एक इंसान आएगा, दाना देगा, दाना नहीं खाना है, नहीं तो फिर जाल में फंस जाओगे। एक दिन इंसान आएगा, दाना देगा, दाना नहीं खाना है, नहीं तो फिर जाल में फंस जाओगे। ये दिन रात वो लोग बोलते गए बोलते गए बोलते गए, हर एक पिंजड़े से यही सब आवाज, हर एक पिंजड़े में बोल रहा हूँ, हर एक घोंसले से यही सब आवाज आ रही थी। एक दिन अचानक से एक इंसान आया जो तोता वगैरह जो है पकड़ता था। तोता जो है ना, वो इंसान ये चीज को सुना कि हर एक तोता तो यही बात बोल रहा है कि एक दिन इंसान आएगा, दाना देगा, उस दाने को नहीं खाना, नहीं तो फिर जाल में फंस जाओगे। तो इंसान को बहुत विचित्र लगा यार, बोला कि तब तो यहाँ पे तो कोई फंसेगा ही नहीं यार, क्योंकि सबको ही चनाक हो गए हैं, तो ये कोई तो दाना खाएगा ही नहीं। तो वो उस दिन क्या किया पता है, वो उस दिन एक फिर भी सोचा कि चलो कोई तो होगा बेवकूफ, तो क्या किया, दाना डाला और जाल वगैरह बिछा दिया, बिछा कर अपना दाना डाला। तुम बिलीव नहीं करोगे, सारे के सारे तोता उसी में जाके बैठ के दाना खाए और सारे के सारे फंस गए। अब वो फंसने के बाद उस जाली में से भी वो लोग यही आवाज कर रहे थे, एक दिन एक इंसान आएगा, दाना देगा, दाना मत खाना, अदरवाइज जाल में फंस जाओगे। उसको जब वो निकाल के पिंजरा में डाला तो पिंजरे से भी यही आवाज आ रही थी कि एक दिन एक इंसान आएगा और दाना देगा, दाना नहीं खाना, अदरवाइज जाल में फंस जाओगे। इससे क्या सीखने को मिलता है पता है, इससे ये सीखने को मिलता है, जैसे कि तोता को ज्ञान तो था, बट वो ज्ञान को ना एक रटन तो वाला विद्या समझ लिया था। वो सिर्फ रटते जा रहा था, रटते जा रहा था, रटते जा रहा था, उसको कभी भी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन उसको पता ही नहीं था कुछ। आप भी यही काम कर रहे हो बेसिकली, इसीलिए रट्टू टोटा उसको बोला जाता है। आप लोग क्या कर रहे हैं, कोई प्रोविजन पढ़ाया जा रहा है टैक्स का, आप क्या कर रहे हो, उस प्रोविजन को रट ले रहे हो। ऐसे कभी नहीं चलेगा भाई, आपको उसके पीछे लॉजिक समझना होगा। प्रोविजंस का एक्चुअल में क्या है, प्रोविजंस किस लिए लाया गया था, उसके बारे में सोचना होगा। रट्टा मारने से आप पास हो जाओगे बस, बट एक्चुअल लाइफ में आप क्या लिख रहे हो आपको समझ ही नहीं आएगा। बाद में तुमको ऑलरेडी पता, बहुत सारे एग्जाम्पल तुम्हारे मूवी वगैरह में भी है, थ्री इडियट्स में देखे ही हो, बलात्कार, चमत्कार, उसके बाद फिर वो ये सब था ना, क्या बोलते हैं, स्तन और क्या धन वगैरह, तो ये सब भी जो है आपको ध्यान देना चाहिए। तो रट्टू टोटा मत बनो भाई, ठीक है, बी लॉजिकल पर्सन, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे इसको मिटाते हैं अभी।